हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल रीड द फिफ्थ चैप्टर ऑफ साइंस फूड एंड हेल्थ फूड इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे अलाइव एंड हेल्दी खाना जो है बहुत ही ज़रूरी है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जिंदा रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए वी ऑप्टेन आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें हमारा खाना हम पेड़ों से और जानवरों से मिलता है द फूड यू ईट इस कॉल्ड डाइट जो खाना आप खाते हैं उसे डाइट कहते हैं अ गुड एंड बैलेंस्ड डाइट इज नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक अच्छा और संतुलित आहार एक गुड और बैलेंस डाइट जरूरी है एक अच्छा और संतुलित आहार जरूरी है आपका सही विकास होने के लिए प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए और डेवलपमेंट होने के लिए और वृद्धि होने के लिए द फूड वी ईट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स कॉल न्यूट्रिएंट्स जो हमारा खाना है वो अलग अलग प्रकार की चीजों से मिलकर बना होता है जिसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं द फूड वी ईट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। दे हेल्प अस ग्रो स्टे फिट एंड रिमेन हेल्दी ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या करते हैं ये हमें बढ़ने में मदद करते हैं स्वस्थ रहने में मदद करते हैं और फिट रहने में मदद करते हैं देर आर फाइव मेन न्यूट्रिय अब ये जो खाना हम खाते हैं इसके पाँच मेन न्यूट्रेंट्स हैं पाँच मेन चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है हर खाने में होना कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटमिन्स एंड मिनरल्स ये पाँच न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है वी नीड टू ईट द राइट अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट टू स्टे हेल्दी हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम हर न्यूट्रिएंट सही मात्रा में खाएं स्वस्थ रहने के लिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए हमारे शरीर को अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिय इज द राइट इन द राइट अमाउंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट वो खाना जिसमें कि सारे न्यूट्रिय सही मात्रा में हो जितना कि हमारे शरीर को जरूरत है विकास करने के लिए सही विकास और सही से काम करने के लिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग सही विकास और सही तरीके से काम करे हमारा शरीर इसके लिए इस कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट ऐसे खाने को क्या कहते हैं बैलेंस्ड डाइट कहते हैं so, सो जरूरी है कि हर इंसान बैलेंस्ड डाइट खाए उसका जो डाइट हो वो बैलेंस्ड हो उसमें सारे न्यूट्रंस हो जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है तो हमने जो पांच मेन न्यूट्रिएंट्स पढ़े उसमें पहला क्या था कार्बोहाइड्रेट हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी टू वर्क कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर को हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकत देता है काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी टू वर्क दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड और इसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं जिस खाने में जिस डाइट में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड रिमेन एज शुगर एंड स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो खाने में किस फॉर्म में होता है शुगर या स्टार्च के फॉर्म में हमारे खाने में होता है जैसे कि आपका शुगर जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में या फिर बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होता है और कार्बोहाइड्रेट शुगर और स्टार्च के फॉर्म में खाने में रहता है फूड विथ शुगर आर जनरली स्वीट फूड जिसमें कि शुगर होता है वो जनरली कैसे होते हैं टेस्ट में मीठे होते हैं स्वीट होते हैं शुगर केन कंटेन्स लॉट ऑफ शुगर शुगर केन गन्ना जो है वो बहुत अधिक मात्रा में उसमें शुगर होता है चीनी होती है मिठास होती है इट गिव्स यू क्विक एनर्जी और ये आपको बहुत जल्दी ताकत देता है मतलब मीठी चीज़ें जो होती हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में शुगर होता है मतलब शुगर है मतलब कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट है तो आपकी बॉडी को उससे क्या मिलेगा एनर्जी मिलेगा इसलिए मीठी चीजें खाने पे बहुत जल्दी आपको एनर्जी मिलता है फूड्स लाइक पोटैटो ब्रेड राइस एंड सीरियल कंटेन स्टार्च कुछ ऐसे फूड हैं जिसमें कि स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट रहता है लाइक पोटैटो ब्रेड राइस एंड सीरियल ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो है वो क्या है सिंपल कार्बोहाइड्रेट है विच इज ईजली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी जो कि आसानी से आपके शरीर में आपके शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है सोख लेता है ओके एंड गिव्स इंस्टेंट एनर्जी और जल्दी से आपको ताकत देता है कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके शरीर में स्टोर हो जाता है जमा हो जाता है एज़ फैट फैट के रूप में अगर वो ज़्यादा है अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं मतलब जितना एनर्जी आपके लिए जरूरी है काम करने में ज़रूरत पड़ रही है आपको उतना तो एनर्जी के फॉर्म में खर्च हो जा रहा है खपत हो रही है मगर बाकी बचा कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपकी बॉडी में फैट के फॉर्म में क्या होता है स्टोर हो जाता है इफ़ ईटन इन एक्सेस अगर आप अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ऐसा होता है टू मच कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट मे कॉज ओवरवेट इसीलिए अधिक मात्रा में अगर आप कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं अगर आपके डाइट में आपके खाने में आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में है तो आप क्या हो जाते हैं ओवरवेट हो जाते हैं मतलब आप मोटे होते जाते हैं वजन बढ़ता जाता है आपके शरीर का नेक्स्ट इज फैट्स फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड फैट जो है वो भी एनर्जी गिविंग फूड है उससे भी हमारे शरीर को ताकत मिलता है फूड दैट कंटेन्स फैट गिव्स गि हीट एंड एनर्जी जो फूड जिसमें कि फैट होता है अधिक मात्रा में उसमें उससे क्या मिलता है हमारे शरीर को हीट मिलता है गर्मी मिलती है और एनर्जी भी मिलता है दे कंटेन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट फैट खाने से हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से भी दुगनी एनर्जी मिलती है डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है फैट में कार्बोहाइड्रेट से बट अनलाइक कार्बोहाइड्रेट दे डू नॉट गिव इंस्टेंट एनर्जी पर कार्बोहाइड्रेट क्या है ईजिली एब्जॉर्बेबल है हमारा शरीर उसको बहुत आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है सोख लेता है और तुरंत हमें उससे ताकत देता है मगर फैट का क्या है फैट का ऐसा नहीं है कार्बोहाइड्रेट की तरह इंस्टेंट एनर्जी तुरंत एनर्जी नहीं देता दे डू नॉट गिव इंस्टेंट एनर्जी ये तुरंत ताकत नहीं देता बटर ऑयल घी चीज मिल्क एंड नट आर रिच सोर्स ऑफ फैट मक्खन तेल घी ये दूध से बनी हुई बहुत सारी चीजें नट्स आपके जो सूखे फल होते हैं आलमंड या वॉलट ये सारे क्या है ये रिच सोर्स हैं फैट के वी शुड ईट द राइट अमाउंट ऑफ फैट्स एज टू मच ऑफ दीज आर बैड फॉर आर हेल्थ हमें सही अमाउंट में सही मात्रा में फैट खाना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर के लिए ये अधिक मात्रा में अगर हम खाते हैं बहुत अधिक मात्रा में तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है टू मच ऑफ दीज आर बैड फॉर आर हेल्थ द फैट विच इज नॉट यूज बाय आर बॉडी जो फैट हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं होता है गेट स्टोर्ड अंडर द स्किन वो हमारी चमड़ी के नीचे हमारे स्किन के नीचे जाकर क्या होता है स्टोर हो जाता है जमा हो जाता है हमारे त्वचा के नीचे इट कैन मेक अस ऑबसिस ऑब्सली ये हमें मोटा बनाता है ये क्या करता है हमें मोटा बनाता है क्योंकि आपके स्किन के अंदर ये फैट जमा हो रहा है तो आपको क्या बनाता है ऑपसी फैट मोटा बनाता है अ पर्सन हु हु डज मोर फिजिकल वर्क नीड नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इन हिज फूड देन अ पर्सन हु टू सिट बिहाइंड हिज डेस्क ऑल डे एंड स्पेंड वेरी लिटिल एनर्जी ऐसा आदमी जो फिजिकल वर्क करता है जो ताकत वाला काम करता है अपने शरीर से काम करता है उसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट की ज़रूरत होती है उसके खाने में और वो आदमी जो पूरे दिन टेबल के पीछे बैठकर काम करता है मतलब जो कि ऑफिस गोइंग लोग हैं जो कि कंप्यूटर्स पे या ऑफिस में काम करते हैं बैठे बैठे वर्कर्स की तरह फिजिकल वर्क नहीं करते उन्हें बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है इसीलिए उन्हें कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट खाना चाहिए अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा वो मोटे होते जाएंगे बिकॉज एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट उनकी बॉडी में स्टोर होता जाएगा प्रोटीन्स नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स प्रोटीन्स हेल्प्स द बॉडी ग्रो प्रोटीन हमारे शरीर को विकास करने में मदद करता है बढ़ने में मदद करता है बिल्ड न्यू सेल्स नए सेल्स बनाने में टिश्यूज नए टिश्यूज बनाने में बोन्स एंड मसल्स और नए बोन्स और मसल्स को बनाने में भी मदद करता है एंड रिपेयर द डैमेज टिश्यूज और टूटे फूटे टिश्यूज जो डैमेज टिश्यूज हैं उनको रिपेयर भी करता है उनको ठीक भी करने में मदद आता है आपका क्या प्रोटीन काम आता है प्रोटीन दे आर कॉल बॉडी बिल्डिंग फूड क्योंकि ये बनाने का काम करता है तो इसे क्या कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं दे ऑल्सो हेल्प टू रिगेन स्ट्रेंथ वेन यू फॉल्सिक ये हमें ताकत मिलने में भी मदद करता है हमें ताकत देने के काम भी आता है जब हम बीमार होते हैं ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड लॉट ऑफ प्रोटीन इन देर डाइट वृद्धि करने वाले बच्चे जो बच्चे अभी बढ़ रहे हैं बढ़ती उम्र है उनकी उन्हें जिनका शरीर में ग्रोथ हो रहा है उनकी लंबाई बढ़ रही है उन्हें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है उनके खाने में मसल्स स्किन नेल एंड हेयर आर मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ प्रोटीन जो हमारे शरीर के मांस, पेशियां हैं मांस हैं त्वचा है नाखून है बाल हैं ये किस चीज़ के बने हैं प्रोटीन के बने हैं प्रोटीनेटेड फूड शुड बी ईटन एवरी डे एज अ बॉडी कंटेन कैन नॉट स्टोर इट फॉर लेटर यूज हमें डेली प्रोटीन वाली चीजें खानी चाहिए हमारे खाने में डेली प्रोटीन वाली चीजें होनी चाहिए क्योंकि हमारा शरीर प्रोटीन को स्टोर कर कर नहीं रख सकता है जैसे कि हमारा बॉडी फैट और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर कर रख रहा था वैसे हमारा बॉडी प्रोटीन को स्टोर कर कर नहीं रख सकता इसी हमें डेली प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए एग मीट फिश मिल्क चीज पनीर आर द एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन ये जो चीज़ें हैं अंडा मांस मछली दूध चीज़ पनीर ये सारी चीज़ें क्या है ये वो सोर्स है प्रोटीन का जो कि हमें जानवरों से मिलते हैं ये सारे प्रोटीन्स जो हैं वो हमें जानवरों से मिलते हैं बीन्स पल्सेस पीज एंड नट्स आर प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन और दालें बीन्स मटर नट्स जो है ये सारे क्या है प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये सारे हमें प्लांट से मिलती हैं ओके सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन सोयाबीन में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और सोयाबीन क्या है प्लांट से मिलता है तो बहुत अधिक मात्रा में प्लांट प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में ओके नेक्स्ट इज विटमिन एंड मिनरल्स विटमिनस एंड मिनरल्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़ हमारे शरीर को विटमिन और मिनरल्स की बहुत कम अमाउंट में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है दे प्रोटेक्ट अस एंड गिव स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट डिजीज टू रिमेन हेल्दी ये हमें बचाने में काम आता है हमें ताकतवर रखने में काम आता है हमें लड़ने में काम आता है बीमारियों के अगेंस्ट और हमें स्वस्थ रखता है दे आर कॉल प्रोटेक्टिव फूड्स क्योंकि हमें बचाता है बीमारियों से इसीलिए इसे क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं फ्रेश फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स ताज़े फल और सब्जियाँ जो हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं This दिस इज वाई अवर मील शुड है पोर्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसीलिए हमारे खाने में थोड़ा फल और सब्जियां जरूर होनी चाहिए Most vitamins get destroyed on heating or overcooking. ज्यादातर जो vitamins हैं, वो क्या है वो खत्म हो जाते हैं जब आप खाने को सब्जियों को ज्यादा पकाते हैं ज्यादा गर्म करते हैं या ज्यादा पकाते हैं द डाइट ऑफ अ पर्सन हु हैज़ फॉलन सिक एंड इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस नीड्स मोर मिनरल्स एक बीमार आदमी जो कि बीमार है और अपनी बीमारी से उभर रहा है ठीक हो रहा है रिकवर कर रहा है उसे उसके खाने में उसके डाइट में क्या होना चाहिए बहुत अधिक मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए उसे अधिक मात्रा में विटमिन और मिनरल्स वाले खाने की जरूरत होती है इफ द बॉडी डज नॉट गेट दैम इन सफिशियंट क्वान्टिटी अगर शरीर को वो सही मात्रा में ना मिले इट कैन रिजल्ट इन इन टू मैनी डिजीजेस तो इंसान को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं ओके विटमिनस दैट डिजॉल्व इन फैट्स आर कॉल्ड फैट डिजॉल्वेबल विटमिनस ऐसे विटमिनस जो कि फ़ैट में डिज़ोल्व होते हैं उन्हें फ़ैट डिजोल्वल विटमिनस कहते हैं मतलब जो विटमिन हैं हमारे अलग अलग तरह के कुछ फैट में डिजोल्व होते हैं और कुछ फैट में डिजोल्व नहीं होते हैं जो फैट में डिजोल्व होते हैं उन्हें फ़ैट सॉल्यूबल विटमिन कहते हैं डीज आर विटामिन ए डी ई एन के ये कौन कौन से विटामिन हैं जो फैट में सोल्यूबल हैं जो फैट में घुलते हैं विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई एंड विटामिन के विटामिन सॉल्युबल इन वाटर इस कॉल वाटर सॉल्युबल विटामिन ऐसे विटामिन जो कि पानी में घुलते हैं उन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं दीज विटाम आर विटामिन बी एंड विटामिन सी इन्हें विटामिन बी ऐसे विटामिन कौन से विटामिन बी और विटामिन सी हैं तो याद रखिएगा फैट क्या है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है तो ये सारे जो विटामिन है ना ये हमारी बॉडी में से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है ये भी स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो एक्सेस अमाउंट में खाना इन्हें लेना नुकसानदेह हो सकता है नुकसान कर सकता है हमें मगर विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो क्या है वाटर सॉल्युबल है तो पानी के साथ हमारे बॉडी से बाहर आ जाते हैं तो ये क्या है आप इसे थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं इट वोंट हार्म यू ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ओके okay, नाउ आपको कैटेगरी दी हुई है सारे विटामिन की पहला है आपका विटामिन ए प्रेजेंट इन कुछ डायग्राम्स दिए हैं आपको फंक्शन हेल्प टू ग्रो इन स्किन एंड इम्प्रूव आईसाइट ये क्या करता है विटामिन ए हेल्थ इन ग्रोथ ऑफ स्किन ये चमड़े के बढ़ने में त्वचा के वृद्धि में मदद करता है और हमारे आंखों की रोशनी को अच्छा करता है डिफिशियंसी डिजीज दिया है मतलब इनकी कमी से होने वाली बीमारियां अगर विटामिन ए की कमी है किसी इंसान के शरीर में तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है उसकी आंखों की रोशनी में कमी हो सकती है उसे दिखाई नहीं देगा ओके okay, तो कौन कौन से खाने ऐसे जिसमें कि विटामिन ए होता है आप देख सकते हैं टमाटो कैरेट पालक मीट अंडा चीज दूध बटर ये सारी चीजें क्या है जिसमें विटामिन ए है ओके नेक्स्ट इज विटामिन बी विटामिन बी हेल्थ इन फंक्शन ऑफ हार्ट एंड नर्वस सिस्टम विटामिन बी क्या करता है ये हमारे दिल को हमारे हृदय को हमारे हार्ट को और हमारे नर्वस सिस्टम को काम करने में मदद करता है हेल्थ इन डाइजेशन और खाना पचाने में भी मदद करता है डिफिशेंसी डिजीज बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है ओके नेक्स्ट इज विटामिन सी विटामिन सी फॉर healthy गम्स एंड बोन्स विटामिन सी की जरूरत होती है स्वस्थ मसूड़ों में गम्स आपके दांत के मसूड़े उसमें और हड्डियों के लिए helps इन हीलिंग वुड्स और ये हमारे जख्मों को भरने में भी मदद करता है ये किन चीजों में होता है आप देख सकते हैं ऑरेंज खट्टी चीजों में पीज लेमन ओके okay? और विटामिन सी की कमी से कौन सा कौन सी बीमारी होती है स्कर्वी नेक्स्ट इज विटामिन डी विटामिन डी की जरूरत क्या है हमारे बॉडी में फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स मजबूत दांत और मजबूत हड्डियों के लिए काम आता है विटामिन डी हेल्थ इन डाइजेशन ऑफ कैल्शियम और यह कैल्शियम को पचाने में भी मदद करता है और विटामिन डी की कमी से डिफिशियंसी से रेके नाम की प्रॉब्लम होती है रैकेट्स नाम की डिजीज होती है नेक्स्ट इज विटामिन ई विटामिन ई कीप्स द स्किन हेल्दी ये हमारे स्किन को हेल्दी रखता है विटामिन ई e किस चीज में नट्स ऑयल पालक ग्रीन वेजिटेबल्स एंड एग मलबरी हार्ट डिजीज और विटामिन ई e की कमी से मलबरी हार्ट डिजीज होता है नेक्स्ट इज विटामिन के विटामिन के आपका किन चीजों में है पनीर फ्यू ग्रेन्स ग्रीन वेजिटेबल्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग और इसकी जरूरत क्यों है ब्लड क्लॉट करने के लिए ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो अगर आपके वुंड है अगर आपका हाथ कट गया तो क्या होगा ओवर ब्लीडिंग होगी एक्सेस ब्लीडिंग होगी खून बहुत अधिक बहेगा तो विटामिन के की कमी से हेमोरेज होता है ओके नेक्स्ट इज सोर्स एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स अब आपका है अलग अलग तरह के मिनरल्स के क्या क्या काम है और कहां से ये मिनरल्स हमें हमारी बॉडी को मिलते हैं पहला मिनरल है आपका कैल्शियम कैल्शियम का काम है बिल्डिंग बोन्स हड्डियां बनाना मसल्स एंड टीथ मांसपेशियां और दांत बनाना सोर्स क्या है इसका कहां से हमारी बॉडी को कैल्शियम मिलता है मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स दूध और दूध से बनने वाली चीजें पल्सेस, दाल लाइक सोयाबीन सीरल्स, लाइक रागी फिश नट ओके दालों से दाल जैसे सोयाबीन हो गए या फिर और भी तरह के दाल हो गए सीरल्स, जैसे नट्स फिश रागी इन सारी चीजों से और दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है कैल्शियम मिलता है नेक्स्ट इज आयरन आयरन हेल्प ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल दॉडी सेल्स आयरन क्या करता है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग सेल्स में कैरी करने में मदद करता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरे पत्तेदार सब्जियाँ मछली नट्स स्प्राउट्स अंकुरित अनाज स्प्राउट्स अंकुरित चना या मूंग ये सा, इन सारी चीजों में क्या होता है आपके आयरन होता है ओके नेक्स्ट इज सोडियम एंड पोटेशियम प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन बॉडी सोडियम और पोटेशियम का क्या काम है कि शरीर का हमारा अच्छे से विकास हो और हमारे शरीर में पानी की जो मात्रा है वो बनी रहे पानी की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे शरीर में कॉमन सॉल्ट इज गुड सोर्स ऑफ सोडियम नमक से हमारे शरीर को सोडियम मिलता है सीरियल पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव बोथ सोडियम एंड पोटेशियम दालें फल सब्जियां इन सब में क्या है सोडियम पोटाशियम होता है नेक्स्ट इज फॉस्फोरस फॉस्फोरस डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ फॉस्फोरस का काम क्या है हमारे हड्डियों को और दांतों को बढ़ने में, में मदद करता है मिल्क चीज मीट एग योल्क होल ग्रेन एंड नट दूध घी मांस अंडे का योल्क अंडे के बीच का जो येलो पोर्शन होता है उसमें पोटासियम होता है और फॉस्फोरस होता है होल ग्रेन्स पूरे पूरे अनाज और नट्स सूखे फल इन सब में क्या होता है आपका फॉस्फोरस होता है तो ये मिनरल्स और विटामिन के बारे में हमने पढ़ा ये जो बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए सो इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर लाइक रफेज वॉटर एक्सरसाइज रेस्ट एंड देन वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ओके इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर टिल नाउ प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो अगर आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज